नमस्कार, मैं हूं प्रभा और आप देख रहे हैं तरकश। भारत आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर इस बार भी राष्ट्रीय मार्च पास्ट हुआ, जिसकी सलामी राष्ट्रपति कोविंद ने ली। परेड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नवनिर्मित युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को युद्ध स्मारक पर नई अमर जवान ज्योति के साथ मिला दिया गया है, जहां प्रधानमंत्री ने सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस साल के पद्म पुरस्कारों की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कर दी है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और गायक सोनू निगम सहित कुल 107 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, जिनकी पिछले महीने एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनको भी मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस पूनावाला, जिसने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण किया, उनको भी भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिलेगा। दिवंगत राजनेता कल्याण सिंह, जो दो बार उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कुल 17 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम और दिग्गज कम्युनिस्ट नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, संगीतकार राशिद खान भी पद्म भूषण से सम्मानित लोगों में शामिल थे। टेक दिग्गज सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और सुंदर पिचाई, अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी इस सूची में शामिल हैं और उन्हें व्यापार और उद्योग की श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया है। इधर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने अपना पद्म पुरस्कार ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अभिनेता विक्टर बनर्जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिव राजीव महर्षि को भी पद्म भूषण मिलेगा। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा जैसे कई विषयों में दिए जाते हैं। इस वर्ष की पद्म सूची में 128 पुरस्कार हैं, जिनमें 4 पद्म भूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री प्राप्तकर्ता शामिल हैं। 34 प्राप्तकर्ता महिलाएं और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता हैं।